सफेद साड़ी वाली आत्मा। कई साल पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक सुनसान सड़क थी जो जंगल से होकर गुजरती थी। ये सड़क दिन के समय तो बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात के समय इसे लोग भयानक मानते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस सड़क पर अक्सर एक कुंवारी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो सफेद साड़ी पहने होती है। लोग कहते थे कि जो भी उस आत्मा को देखता है उसे मौत का सामना करना पड़ता है। राहुल और उसके दोस्तों ने इस कहानी को कई बार सुना था। एक दिन राहुल और उसके दो दोस्त अमन और विक्रम अपनी बाइक पर उस सड़क से गुजरने का प्लान बनाते हैं। उन्हें आत्मा की कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वे इसे महज एक अफवाह मानते थे। रात के करीब 12 बजे का समय था। तीनों दोस्त हंसते और मजाक करते हुए बाइक पर उस सड़क की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल की घनी अंधेरी छाया और ठंडी हवाएं उन्हें अजीब महसूस होने लगी। चारों ओर घना सन्नाटा था और केवल उनकी बाइक की आवाज उस सन्नाटे में भंग कर रही थी। राहुल बाइक चला रहा था और बाकी दोनों पीछे बैठे थे। अचानक विक्रम ने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी है। उसने राहुल से कहा, देखो कोई खड़ा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं है, हमें डराने के लिए खड़ी है। अमन ने भी देखा और थोड़ा घबरा गया, लेकिन वो चुप रहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, राहुल की बाइक अपने आप बंद हो गई। वो बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइक चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तीनों ने महसूस किया कि तापमान अचानक गिर गया और वे बहुत ठंड महसूस करने लगे। तभी अमन ने डरते हुए देखा कि वही सफेद साड़ी वाली लड़की उनके पास आ रही है। लड़की ने एकदम से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा एकदम भावहीन था। डर के मारे तीनों दोस्तों के पसीने छूट गए। उन्होंने बाइक को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बाइक हिल भी नहीं रही थी। लड़की उनके बिल्कुल पास आ गई और धीमे से फुसफुसाई, तुम्हें क्या लगता है मैं सच नहीं हूँ? राहुल ने डर के मारे कोशिश की और अचानक बाइक स्टार्ट हो गई। तीनों ने बाइक पर सवार होकर जितनी तेजी से हो सके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की की हंसी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वे जितनी तेज भागते हंसी उतनी ही तेज होती जाती। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे और अपने घरों की ओर भागे। अगले दिन गांव वालों ने उन्हें बुखार और डर से कांपते हुए पाया। राहुल, अमन और विक्रम ने अपने अनुभव के बारे में बताया और सभी को चेतावनी दी कि उस सड़क से रात में ना गुजरें। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि कई साल पहले एक लड़की की उसी सड़क पर हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा वही भटकती है। लोग कहते हैं कि वो लड़की अब भी उस सड़क पर इंतजार करती है उन लोगों के लिए जो उसकी मौत के रहस्य को नहीं जानते, और अगर कोई भी उस आत्मा को देखने की हिम्मत करता है तो वो आत्मा उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है और वो व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। ये कहानी अब भी गांव के हर व्यक्ति को याद दिलाती है कि कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन उनका सम्मान करना चाहिए। तभी से उस सड़क से कोई भी व्यक्ति रात में नहीं गुजरता और सफ़ेद साड़ी वाली लड़की की आत्मा का रहस्य अब भी वहां छिपा हुआ है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो।